हमें और किसी चीज के लिए कोई प्रचेष्टा नहीं करनी चाहिए।
प्रागुति मिल जाए, थोड़ा सिद्धि मिल जाए, हैं थोड़ी वैभव मिल जाए, थोड़ी सी अष्टनिधि नवनिधि हैं, ये अद्भुत अद्भुत ये है, ये अष्टनिधि नवनिधि ये अद्भुत अद्भुत चमत्कार है। सूर्य रश्मि देख करके सूर्य तक पहुँच सकते हो, यहाँ पर बैठ बैठ कर सब आप को जान सकते हो, किसके मन के अंदर में प्रवेश कर सकते हो, किसके मन की बात बता सकते हो, हैं पानी गोबर में चलते चलते जा सकते हो, जो चाहोगे वो मिल सकती है। ये अष्टनिधि अनिमा लघिमा प्राप्ति प्राकामना कहते धनवान का जैसे छोटे से छोटे बन सकते हो, बड़े से बड़े बन सकते हो, वो अद्भुत अद्भुत इसकी शक्ति है। लेकिन जो भगवत भक्ति है, जो भगवत भक्त ये लोग कोई चीज पाने के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, तो एक चीज पाने के लिए कोशिश करते हैं, भगवान की भक्ति। जब अगर भक्ति आ गई, जो दूसरे दूसरे व्यक्ति ये सब चीज़ के लिए जो बहुत प्रचेष्टा करते हैं, बड़ी कठोर साधन करते हैं, भगवान के मत भक्त मत भक्ति जो बिना तत्सर्गम लभत अंदर, मेरा जो भक्त वो अपना भक्ति योग को द्वारा ये सब चीज़ को सब कुछ प्राप्त करते हैं, सारे कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए और उसमें एक वैद्य भक्ति और एक राग भक्ति, जो खसखस है वैद्य भक्ति, जो बुलाई वो क्या है राग भक्ति, जो राग भक्ति है, जबकि क्लेशाग्नि और जो सुभदा तो एक साथ में प्रकट होता है, एक साथ में प्रकट होता है। इसलिए एक श्लोक को सुना चलो ठाकुर, एक श्लोक को उद्धृत करते हुए बताए कि भक्ति उसके बाद में परेशान होगा, उन्होंने एक श्लोक उद्धृत करके एक साथ में कैसे होता है बोले भक्ति, पहले भक्ति होनी चाहिए, जब भगवान की भक्ति होगी उसके साथ में भक्ति परेशान हो उसको बाद में फिर भगवत अनुभूति होता है। और जो तीसरा स्टेज में बोले विरक्ति, तीसरा स्टेज में जो विरक्ति आती है, इसलिए अगर भक्ति होने से पहले जो विरक्ति हाँ उसको करनी चाहिए, कितना महाप्रभु भक्ति मतलब वैराग्य प्रधान जहाँ देखि तुष्ट गौरव, तो जितने महाप्रभु के भक्त है उनका मूल क्या बोले वैराग्य प्रधान, इनकी जो वैराग्य मूल है वैराग्य उनको मूल, वैराग्य दो तरह का बताया, एक वैराग्य तो साधारण रूप में विषय का प्रति अनुराग नहीं रहती, इसलिए आप देखो जितने हमारे जितने गुरुवर्ग को देखो आप भक्तिमान ठाकुर जगन्नाथ और उनका देखो आलोक देश देखो शरीर में कपड़ा नहीं, इतने बड़े बड़े चट्टानों को हैं कभी पेड़ के नीचे और कपड़ा जो जो कपड़े को शमशान में फेंक देते हैं ना, देखना जो व्यक्ति मर जाता है कपड़े को उसमें जितने कपड़े फेंक देते हैं उसको उठा लिया धो लिया उसके व्यवहार में कर लिया है, मार्केट में जाते थे जो सब्जी फेंक देते नहीं खाते थे उसको उठा कर लाए, इसी तरह से ठाकुर को बना करके भोग लगाया उसको ही खा लिया, कहीं से माधुर्य थोड़ी सी ले आए इसी तरह से खा लिया, और पहनने के लिए खाने के लिए कोई चिंता नहीं उसको, उसमें अपना समय को नष्ट नहीं करते, बर्बाद नहीं करते, क्या करते ज़्यादा से ज़्यादा समय कोशिश करते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय मिले हम भगवान के हरिनाम कर पाए, भगवान की भक्ति कर पाए, इसलिए एक वैष्णव लोग इसी विषय में ज्यादा ध्यान नहीं दे करके इसमें ज्यादा ध्यान देते हैं, भगवान की भक्ति में वो ज्यादा ध्यान देते हैं प्रभु के भजन, इसलिए एक बोले महाप्रभु भक्ति का बैराग होता, इसलिए रूप गोस्वामी देखो सनातन कपड़ा हाथ की कमर कमंडल
और एक लोटा और एक कंबल बस इसको ले गए होकर एक के पेड़ के नीचे एक एक दिन रुके एक के पेड़ के नीचे एक एक दिन रुके इसी तरह से कभी चाना कभी गोभी मान कभी एक मुठ्ठी चाना खा लिया कभी गोभी नहीं कभी रघुनाथ दास गोस्वामी एक चूल मठा पी लिया और 26 घंटा में 26 घंटा भगवान का नाम घूम कीर्तन भगवान की भजन में ही डूबे रहते। इसलिए बैराग्य तो ऊपर से करनी चाहिए लेकिन इसलिए बैराग्य जो चार तरह का है एक तो मकर बैराग्य बंदर जैसे देखना कोई पेड़ कोई घर कोई कपड़ा नहीं थे जो मिल गया उसको खा लिया एकदम पूरा जैसे साफ हो गया ऊपर से तो पूरा जैसे साफ हो लेकिन आप देखो वृंदावन में तो तुम चश्मा पहन के जा ही नहीं सकते कोई फल भी लेकर नहीं जा सकते हाँ कोई भी चीज लेकर नहीं जा सकते और बड़ा कामी इतने कामी वो हैं इतने काम ऐसे से देख रहे ऐसे थोड़ी सी आपका नजर हटा बात पकड़ कर इसलिए कहते ये बंदर का वैराग्य है एक फालतू वैराग्य एक फालतू नदी है माता सीता जी का अभिशाप है ऊपर ऊपर से ही तो रहते देखती लेकिन अंदर में थोड़ी सी हटा हुई उस अंदर में पानी बहती है इसका मतलब ऊपर से वैराग्य लेकिन अंदर में भोग की वृद्धि है। इसलिए ऐसे ही चार पांच वैराग्य बताए शमशान वैराग्य जो व्यक्ति जलाने के लिए जाते हैं थोड़े समय के लिए वैराग्य सचमुच से संसार छूटा कुछ भी नहीं क्या लेके गया इतना बड़ा बड़ा हाँ जला के क्या संसार छूटा उसे तो भास राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य लेकिन घर में आते ही बीबी जब मीठी मीठी थोड़ी बोली बोलते बच्चे थोड़ा तो पापा पापा मामा मामा बस सारे वैराग्य खत्म हो जाते हैं। इसलिए यदि इतने वैराग्य है यदि थोड़ी समय लेकिन जो सही वैराग्य कब आता है तब पहले भक्ति आएगी पहले हृदय में भक्ति आएगी भक्ति आने पर फिर उसमें परेशान भव फिर जब भक्ति आएगी फिर भगवान के प्रति तुम्हारी अनुराग आएगी लेकिन जब भगवान के प्रति जितने परिमाण में अनुराग आएगा फिर क्या होगा उतना परिमाण से ईश्वर का प्रति स्वभाविधि रूप में तुम्हारी वृद्धि है स्वभाविधि रूप है। इसलिए पहले तो हम क्या करते हैं पहले तो जोर जबरदस्ती करते हैं वैराग्य जोर जबरदस्ती वैराग्य करते ही लेकिन अगर धीरे धीरे भक्ति को अगर नहीं बढ़ाए ना फिर वो वैराग्य ज्यादा निकट नहीं दिखता वैराग्य ज्यादा निकट नहीं दिखता है। इसलिए गुरुदेव सुनाया करते थे जब पहले कब कोई मंदिर में आता है ना वो सुनता है बोले बाबा हरि भवनाथ दास गोस्वामी हाँ जिनकी घर में इंद्र के बराबर ईश्वर जो पत्नी आप सब देख फिर उन्होंने सब छोड़ कर क्या किया एक चुन मठा भी करके भजन कर मंदिर में जब पहले पहले कोई भजन करने के लिए आते हैं ये सब कथा को सुनते हैं फिर रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कई से बैराग्य भजन वो क्या करते हैं कहते प्लेट ला कर खाना नहीं खाएंगे क्या करेंगे जैसे झाड़ू झाड़ू को कथा सुनते हैं कैसे उन्होंने खाने का बाद जब छिलका वो फेंक दिए हैं फेंक दिए भक्त ने उसको उठा उठा कर चाक चाक कर और भगवान की जो भक्त प्रसाद उसमें जितना शक्ति कहते भक्तों का जो भगवान की भक्तों का जो प्रसाद में ज़्यादा शक्ति वो क्या करता है जो चीज को डस्टबिन में भक्त लोग फेंक रहे थे ना उसको उठा उठा कर खाता है उसको उठा उठा कर खाता है और बड़ी बजा के पूर्वक भले छः गोस्वामी सोते नहीं थे हाँ कभी एक आधा घंटा सोए 26 घंटा भजन एक आधा घंटा सोए और क्या कर उसी में भी क्या होता था उसमें भी राधा कृष्ण का स्वप्न देखते थे पहले तो इस बात को सुन रहे ना पहले हम भी ऐसे करें रोज रोज एक एक लाख हरि नाम करते थे हैं अब वो लोग क्या करते थे सारे वैष्णव का नाम को लेकर
1000 बार हैं। अब जैसे हम लोग हैं कितना जय श्री श्री गुरु गौरांग गार्गी का गिरधारी से राधा बिना बिहारी की जय। जैसे वो लोग क्या करते थे ऐसे नहीं, एक बार पूरा साष्टांग प्रणाम करते फिर खड़े हो जाते, खड़े होकर के फिर अपना गुरुदेव का परम गुरुदेव का परात पर गुरुदेव का ऐसे ऐसे सारे धाम का वैष्णव का नाम लेकर के सीधा साष्टांग दंडवत करते फिर खड़े होते थे फिर दंडवत करते थे। ऐसे ही पूरा 1000 बार हैं, 1000 बार दंडवत। इसलिए इसलिए रोज रोज गिरिराज की परिक्रमा वृंदावन धाम की परिक्रमा करते थे। इसलिए करते भी देखो ये शरीर सुस्थ रहेगा तो बने रह सकते। इसलिए गुरुवर्ग ने क्या किया था, दंडवत करो परिक्रमा लगाओ, क्या होगा शरीर सुस्थ रहेगा, सुस्थ रहेगा तो भक्ति भी मिलेगी, शरीर सुस्थ भी रहेगा और भगवान की भजन भी एक साथ में दोनों काम हो जाएगा, एक साथ में दोनों काम हो जाएगा, भक्ति को साथ में भजन और शरीर का एक्सरसाइज हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरुवर्ग दंडवत परिक्रमा करना करे हाँ फिर क्या करते हैं परिक्रमा करना गोवर्धन की परिक्रमा ऐसा में दोनों काम हो जाता है। इसलिए अलग रूप में अगर कोई काम करें तो क्या होगा भक्ति का जो आवेश छूट जाएगी फिर दूसरे चीज में हमारे आवेश दूसरे चीज में चली जाएगी फिर भक्ति खत्म होगी। इसलिए हमारे गुरुवर्ग ने ये सब चीज़ का आदर्श करते हुए लिखा है। इसलिए जब पहले पहले कोई मंदिर में आते हैं पूरा का पूरा गोस्वामी जी से करना शुरू कर देते पूरा करना शुरू कर देते, लेकिन वो चीज़ को अगर भक्ति को साथ में एक साथ में करना क्या होगा फिर वो पूरा टिकेगा। नहीं तो क्या होगा फिर कुछ देर बाद में क्या होगा शरीर का शरीर है इसे शरीर जब ज़्यादा अगर सोएगी नहीं शरीर को अगर सही सही अपना आप विश्राम नहीं मिलेगा फिर क्या होगा फिर शरीर बीमारी हो जाएगी, शरीर हमारी बीमारी हो जाए तब गुरुदेव पता सुनाते थे बंगाल में ऐसे ही एक बच्चा आया मंदिर आकर के जब उसने गोस्वामी की बात सुना उसने पूरा वैसे ही करना शुरू कर दिया। जब वैसे ही शुरू करना कर दिया जब वैसे ही करना शुरू कर दिया लेकिन ये शरीर सोएगा नहीं है, सोएगा नहीं रात भर जगेगा खाएगा नहीं, जो बच्चे आएगा बच्चा कुछ हुआ खा लेगा करते 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 बीमारी पड़ गई। जब बीमारी पड़ गई अभी क्या हुआ सब तो मंदिर में भजन करने के लिए आए हैं, सब तो भजन करने के लिए आए अभी कौन किसको देखता है। कुछ दिन बाद में फिर घर में फोन किया बोले पिताजी माता जी को खबर पहुँच गया बोले मैं बीमारी पड़ गया। पहले तो वैष्णव लोग मना किए भैया जितनी जरूरत उतना करो जुग तो वैराग करो हैं, फलगु और बंदर का वैराग्य मत करो स्मशान वैराग्य मत करो, इसलिए वैराग्य करो जितना शरीर के लिए जरूरत उतना करो, जितना सोने की जरूरत उतना सो, जितना खाने का समय पर भोजन करो हैं भोजन करो। इसलिए इसलिए प्रभुपाद आ करके ना कि भाई कली कली जो हफ्ते जी गए इसलिए एकादश का भी अनुकल्प की प्रभुपाद व्यवस्था किया कि शरीर को बचा के भी भजन करो हैं, शरीर को बचा के भी भजन करो। अभी शरीर बहुत ज़्यादा खराब हो गया घर में खबर भेजा भले मेरी तबीयत खराब हो गया पिता माता आए बोले तो घर में चलो बोले ठीक है घर में ले चलो, फिर बोला देखो मैं घर में तो ले चलो लेकिन घर में नहीं रहूँगा घर में नहीं रहूँगा, अब घर का बाहर है ना मेरे लिए कुटिया बना रही जो कोई बात नहीं घर के बाहर में मेरे लिए कुटिया बना रही वहीं पर रहा वहीं पर रहा जो वहीं पर रहा। पहले तो कोशिश किया कुछ रोसी बना के खाने के लिए लेकिन कुछ दिन बाद में उद्योग नहीं हुआ अपना मैया को बोले मैया मेरे लिए कुछ रोसी बना देना ठीक है बेटे रोसी बना लेकिन बंगाल में तो मछली खाते बंगाल में तो मछली खाते भैया कुछ देर बना के बोले भैया मैं ज़्यादा तक तेरे लिए नहीं बना सकता तेरे लिए अलग बनाना परिवार के लिए अलग बनना नहीं कर सकते एक साथ ही भोजन करना पड़ेगा लेकिन एक साथ वहाँ मछली बनता है। तब धीरे धीरे जो बैठा के था ना धीरे 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 उतर कर लेते इतने में बोले तेरे लिए कोई अलग खाना नहीं बना सकते मछली और मछली का जो होगा ना सब्जी उसको खाना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है एक काम करना उसका जो रस है ना
वो रस रस देना लेकिन मछली भेजना और आग भेजना तो उसका रस बोले कोई बात नहीं उसको ही दे देंगे किसको खा। जब उसको देने लगे जब कल से दे रहे थे उसमें मछली के टुकड़ा आ गया तो बोला था उसने मैं जूस जूस लाऊंगा मछली देना लेकिन जब आ गया जो आ रहा है वो देख जूस दे रहा था बोले माता जी जब आ रहे हैं उसको मना नहीं कर रहे मछली जब आ रही उसको मना नहीं कर रहे। फिर धीरे 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 बैराग बैराग इसलिए यहाँ पर कहते भक्ति परेशानुभव विरक्ति अंदर जो विरक्ति है वो तृतीय स्टेज में बताया पहले ग्रेड नहीं बताया। पहले क्या बताया पहले भक्ति करो जब भक्ति करोगे भक्ति का एक अलग आनंद भक्ति की एक रस भक्ति सुखानी भक्ति एक रस है। जब भक्ति की रस तुम्हें प्राप्त होगा है जब भक्ति रस प्राप्ति होगी उसको साथ साथ में क्या होगा भगवत अनुभूति होगी। जब भगवत अनुभूति को साथ में जो वैराग्य होगी फिर वो वैराग्य पिता रहेगी नहीं तो वैराग्य करेगी नहीं। इसलिए क्या करनी चाहिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए भगवान का नाम भगवान का कीर्तन भगवान की कथा भगवान की भजन में पहले मन को भक्ति रस है भक्ति सुखा चीज नहीं भक्ति रस है। ये भक्ति रस जब तुमको प्राप्त होगी ना फिर धीरे 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 क्या होगी दूसरे चीज का पर तुम्हारी अपने आप विरक्ति है अपने आप को स्वाभाविक विरक्ति है। पहले तो करनी चाहिए ऐसे नहीं कुछ नहीं करनी नहीं करनी चाहिए लेकिन भगवत भक्ति को साथ सुखा सुखानी बदल जैसे नहीं फलू जैसे नहीं वास्तव रूप में भगवान के नाम को ले लेते रहो। इसलिए श्री बाबू गोस्वामी महाराज बोलते थे ये चीज बहुत अच्छी बात होती है। कोई एक व्यक्ति आया बाबू गोस्वामी महाराज के पास बोले गुरुदेव भजन कैसे होगा बाबू गोस्वामी महाराज ने कहा रोना सीखो। उसको जो बोले वो तो चक्कर में पड़ गया वो था हिंदी हिंदी भाषा था वो चक्कर में पड़ गया बोले हमको साधु संतों के पास में हम तो संसार में रो ही रहे कहते ना कहते साधु होकर के सोए नहीं और गृहस्थ होकर रो ही रहे हैं फिर क्या है इधर तक चिंतन करते रो ही रहे और गुरु जी के पास में आए और गुरु जी ने कहा भैया रोना सी तो हम तो रो ही रहे संसार उनको कुछ समझ नहीं है वो चले गए लेकिन रात भर याद करते रहे सोचते रहे गुरुदेव बोले रोना सी तो ये क्या मतलब है हम तो साधु संतों के पास इसलिए आते हैं मन को शांति मिले। अब ये कहते रोना सीखो दूसरे कह रहा है बोले गुरु जी क्या आपने क्या बताया तो रोना सीखो इसका मतलब क्या है देखो ये बहुत महत्वपूर्ण काम हमारा बोले देखो बेटा जब तक बच्चा नहीं होता है ना तब तक मैया दूध नहीं पिलाती बच्चा जब रोने लग जाए माँ को पता चलता बेटा भूख लगा अब उसको दूध पिलानी चाहिए। उसी तरह जब तक वो कह करके हरिनाम करते करते रो देखो क्या क्या होता है आते ही भजन करने के लेकिन कुछ दिन बाद भजन फिर छूट जाता है छूट जाता है कारण क्या बोले जैसे हमें भक्ति करनी चाहिए ना भक्ति नहीं किया जैसे करनी चाहिए हमने वैसे नहीं किया तभी भक्ति छूटती है। लेकिन बाबू गोस्वामी महाराज कहते तो एक जगह पर बैठो बैठ करके आंसू बहा करके रो भगवान के पास में रो रो करके भगवान को पुकारो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसे किसी जगह पर जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं बिजनेस करते कितना प्रॉफिट हुआ कितना नुकसान हुआ पता चलता कि नहीं पता चलता। भक्ति भी ऐसे ही एक भगवान के लिए एक भक्ति भी एक हमारे से बिजनेस है। अभी हमारी भक्ति बढ़ रही है घट रही पता नहीं चलेगी पता चलनी चाहिए ना भक्ति बढ़ रही ना घट रही पता नहीं चलेगी। इसलिए जब हमको रो रो करके भजन करेंगे आंखों से बोलना नयनम गलदस्त कार्य बदनम गदगद रुधा गया पुलक चित्त प्रभु पदा तब नाम ग्रहण जब प्रभु कब ऐसे दिन आएगा मैं नाम लेकर के आंखों से आंसू की नदी बहने जाए
हृदय निर्गत हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए। है अगर आप ऐसे अगर हरिनाम बैठ करके हमको अवरुद्ध क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे हरिनाम करने चाहिए ना हम वैसे नहीं करते, वैसे हम नहीं करते। आप बैठ कर जगह पर अगर मन नहीं मिलता तो तुलसी को ले लो, जैसे महाप्रभु तुलसी बैठे और सामने रखते हरिनाम करते, क्योंकि तुलसी भक्ति देवी है और तुलसी में भगवान निवास है। आप तुलसी वृक्षों को सामने ले लो, बैठ गया, बैठ करके तुलसी को सामने बैठ करके आप हृदय से पुकार पुकार करेंगे कि जो हरिनाम है ये सब संबद्ध नाम है, जो हरे कृष्णा ये जो पद है ये संबोधन पद है। संबोधन पद समझते हो, जैसे किसी व्यक्ति को स्वागत करते हुए संबोधन करते हुए बुलाते हैं, जैसे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठ सप्तमी, उसके बाद में संबोधन आता है, जैसे राम राम रामा राम 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 राम, वो संबोधन जो लास्ट आता है वो संबोधन है। हाँ, किसी व्यक्ति को जैसे संबोधन करके बुलाते हैं, हरे की संबोधन है, कृष्ण के जितने हरे कृष्ण नाम एक श्लोक है और इसमें हर पद संबोधन पद है। किसी व्यक्ति को जैसे प्यार से बुलाते हैं उस तरह हरे कृष्ण हरे राधे हे कृष्ण। इसलिए ये महामंत्र को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गोस्वामी हैं इन लोगों ने इसका अर्थ लिखे, लेकिन जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो अर्थ लिखे कहीं वो हमारा देख कर रहे और दूसरे दूसरे जो लिखे हैं वो बड़े हाई फाई है। राधा कृष्ण का निकुंज लीला कैसे करते हैं, कैसे राधा रानी को कृष्ण निकुंज ले जाते कैसे वो, लेकिन जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो मनी किया वो चीज को पढ़ा है। कैसे हम संसार में भट गए, संसार में किसी दुख का संभोग कर रहे, हरे मतलब हे राधे हे कृष्णा मतलब हे कृष्णा, हे राधा रानी हे कृष्णा हम आपकी संतान हैं, लेकिन आपकी बोलने का वजह से संसार में हम आए दुख का कृपा है, इसलिए कृपा करके हमें सेवा दो। अब रो रो अब करो, रो रो कर हरिनाम करो, पुकार पुकार करो, देखना कुछ अनुभूति होगी। जब वो अनुभूति होगी ना एक कोई जो कहते ना अरे इतना दिन माला किया माला तो काली पड़ गई अनुभूति। अब ये बताओ कभी किसी ने भगवान का नाम में कर दी ना हमारी अंदर में कर दी, क्योंकि जैसे भजन करना चाहिए हमें उसको भजन नहीं किया, कभी हृदय शुष्क हो जाता है नीरस हो जाता है, लेकिन हृदय से पुकार करके इसलिए मियाँ में एक चार बस बैठ गए बैठ करके रो रो करके पुकार हो देखना, जब आपके हृदय को अनुभूति होगी आप कभी जीवन में हरिनाम छोड़ोगे कभी भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? धार्मिक आदेश से करने की प्रैक्टिकल कॉलेज थ्योरिकल हमने सुना हरिनाम के रस है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस मित्र भगवान का नाम का रस है, भगवान का नाम रस है, लेकिन अभी हमें क्यों रस नहीं मिला? धार्मिक है कभी हरिनाम है ना कभी हमारे में वो रस ही है पूरा की पूरा। इसलिए माधवेंद्र जीवन में आती है ये माधवेंद्र परिपाल क्या करते थे, किससे नहीं मानते थे, अजाज करते थे ना, किससे कुछ चेंज नहीं मानते थे, अपने आप जो आ जाएगा उसको खातिर भजन करते थे। तो वहाँ पर कहते हैं भैया जब कोई दे दिया तो तब तो खा लिया, जब कोई नहीं दिया खाए क्या कर दिया खाए के कैसे रहा। तो कहते हैं कृष्ण नाम सुधा करिया पाठ जुड़ाओ भक्त की विनोद प्राण, नाम बिना इच्छो नाही कार चौत भुवन माझे, कृष्ण नाम सुधा करिया पाठ। जब श्री माधवेंद्र पुरी हरिनाम करते थे वो हरिनाम नहीं, अभी हमारे अनर्थ ग्रस्त हम लोग हमारे हृदय में अनर्थ है इसलिए हरिनाम में स्वाद नहीं आता है, लेकिन जो वो हरिनाम करते थे हरिनाम से ही रस निकलता था, उसी को ही पी करके हमने तो वो तृप्त हो जाते हैं, उनको की रोटी फटी सब्जी खाने की कोई जरूरत नहीं, कृष्ण नाम से ही रस निकलता है। लेकिन अभी जैसे हरिनाम करनी चाहिए तैसे हरिनाम करना होगा ना, इसलिए क्या करनी चाहिए, एक जगह पर बैठो आंखों से आंसुओं को बहा दोगे, हृदय से भार पुकार करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरिनाम करते ना, कभी भी जिंदगी में आप हरिनाम छोड़ नहीं सकते। क्यों? जैसे एक व्यक्ति रसगुल्ला खाया, एक व्यक्ति खाया नहीं, एक व्यक्ति सुना रसगुल्ला कैसे मिला, लेकिन एक व्यक्ति रसगुल्ला खाया,
अब दोनों को दो व्यक्ति को पूछो, अभी जो खाया नहीं उसको बोलो भैया रसगुल्ला दे चलो, बोले हाँ हमने सुना मीठा इतना बोलेगा, लेकिन जो खाया उसको बोलो रसगुल्ला दे चलो, जो बोलेगा ना मीठा उसको मुँह में पानी आ जाएगा, मुँह में पानी बोले क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसने खाया है उसका दूध ये रसगुल्ला कैसे, इसलिए हरिनाम बैठ करके एक जगह पर जैसे पुकार पुकार करके महाप्रभु नाम लेकर के नित्यानंद प्रभु का नाम लेकर के उनको गुरु वर्णों का नाम लेकर के पुकार 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 करके हरिनाम करनी चाहिए, फिर अनुभूति होगी। जब वो अनुभूति तुम्हें होगी कोई आपको बोल करके ना हरे विकास से हरिनाम कर क्या हुआ, उसने आया था इतना निकल बट गया सो कुछ मिला नहीं, खा गया कुछ मिला नहीं, उसने आया था उसने रहा चला गया, इसलिए किसने एक बार बोल दिया अरे गौरे बटे में क्या होता है ऐसे होता है बामन गोस्वामी महाराज को ना कौन अब तो प्रबल गया गौरे बटे समझ गया, जिस चीज को ब्रह्मा शंकर भी नहीं समझ पाए हैं, जब ब्रह्मा बिनी चिर पांचे कर जब प्रेम जगत फल न ढाली, जिस प्रेम को ब्रह्मा शंकर कर भी नहीं समझ पाए बामन गोस्वामी ने उसको टांट लगाया, तो समझ गया बामन धारा को गुरुवर तो तुमने समझ गया तुम है इतने उसके ऊपर क्रोध होने नहीं दिया, पर खुद तो भजन साधन से कोई मतलब नहीं, भजन भजन किया दिया चला गया वो क्या हो गए हैं, इतने उसके ऊपर क्रोधित तो हो गए, इसलिए कमी हमारे अंदर में कमी शास्त्र में नहीं ग्रंथ में नहीं गुरुवर में तो नहीं भगवान में नहीं, खुद स्वयं साधन भजन हमारी कमियाँ हैं, ये चीज को दूर करो, इसलिए कहते भक्ति भक्ति करोगे जरूर तुमको कहते ना दीन दीन बड़ का सवाल, कोई बिजनेस फेल हो सकती है लेकिन भक्ति जगत में अभी तो कोई है नहीं, सत्य जी से देखो क्या नारद जी फेल हो गए ना ब्रह्मा जी फेल हो गए ना ध्रुव जी फेल हो गए ना प्रहलाद फेल हो गए ना अंबरीश सिंह फेल हो ना वाल्मीकि ना कौन फेल हो गए तुमको, सबके सब सक्सेस हुए तो हम क्यों फेल हो गए, हम क्यों फेल हो रहे हैं कारण क्या है, खुद भजन साधन नहीं कर रहे हैं, इन लोग सबके सब भगवान मिले हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हम भजन भी करें जैसे करनी चाहिए हम भजन भी करें, इसलिए तो भक्ति करोगे जरूर अनुभूति होएगा, अनुभूति होएगा तो तृतीय स्टेज में फिर विरक्ति आ जाए, तो उन्होंने उदाहरण देकर बताए तुष्टि पुष्टि बोध अनुपाय उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे आपको भूख लग रहा है जब भूख लग रहा है आप भोजन करने के लिए बैठते हैं, भोजन करने के लिए बैठते हैं ना जब आपने एक ग्रास लेंगे तो एक ग्रास रोटी के एक टुकड़ा लिया जितना लिया ना उतना क्या होगा इतना ही बन जाएगा, तुष्टि तुष्टि में संतुष्ट होगी अरे भूख लगा है तुष्टि, उसके बाद में बोले पुष्टि, पुष्टि मतलब क्या है एक तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिलने का साथ साथ में शरीर ताकत आएगी, शरीर में ताकत आएगी तुम्हारे अंदर में, इसलिए तुष्टि तुष्टि मतलब संतुष्ट मिलेगी, एक एक ग्रास जितना परिमाण में ग्रास लेते जाओगे ना एक साथ में जितने परिमाण में पेट भरते हुए जाएगा उतना तुम्हें आनंद भी आता रहेगा और उतना परिमाण में तुम्हारी पीड़ा भी खत्म होती जाएगी, इसलिए और एक रोटी तो और एक रोटी तो और तुमने और चलेगा खा लेगा जितना खाएगा तुमने अगला फल पूरा तृप्ति हो गया है पेट भर गया और उसमें ताकत अपने आप आ जाएगी, इसलिए बोले एक साथ में तृप्त भी मिलेगी एक साथ में उदाहरण तृप्ति भी होगा और एक साथ में आनंद भी मिलेगा, एक साथ में सारी चीज एक साथ में एक के साथ में होगी, लेकिन तब होगी तो भक्ति उसी तरह भक्ति करोगे तो आनंद भी मिलेगा तृप्त भी मिलेगा हाँ शांति मिलेगी एक साथ में सारी चीजें, इसलिए क्या करनी चाहिए सब विश्वनाथ करो ये बात को समझा दे भजन करो निष्कर्ष होकर के भगवान भजन करो करोगे तो फिर मिलेगा, कृपा करना कृपा करो कृपा करो तब भक्ति मैंने जनार्दन महाराज करो, कृपा मतलब क्या क्री मतलब करो पाप कर पाओगे बिना कृपे पाओगे नहीं है, कृपा करो कृपा करो गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव कृपा करो है, इसलिए
श्री गौरचंदास भगवान महाराज के पास में एक शिष्य था, आता था, बोले गुरुदेव कृपा करो। गुरुदेव एक दिन गुरु प्राप्त होता है, कृपा लोगे, कृपा लोगे, उन्होंने तो लंबो दिखा ना फोन पर, बोले बोले कृपा करना, कृपा करो। संतों का क्या कृपा है, संत क्या देना चाहते हैं, भक्ति प्रेम है, एक देना चाहते ना संत लोग, बोले लो ये लंबोट लो और घर छोड़ो और यहाँ पर हमारे साथ में भजन करो, फिर तो भाग्य इसलिए कृपा मतलब पहले करो फिर उसको आगे, बिना किए कृपा कर कृपा कर करने थोड़ी होगा, इसलिए पहले करो उसके बाद में फिर तुम्हें प्राप्त हो। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भजन करनी चाहिए, निष्कपट हो गए हरिनाम करो, सेवा करो, बस फिर तो हमें भगवत अनुभव शांति और सुख मिले। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम